हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे इस न्यू ब्लॉग में। सो अभी सुबह का समय है और आप लोग देखिए, मैं अभी मॉर्निंग वॉक पे आई हुई हूँ। तो मेरे घर के जस्ट पीछे साइड में हमारा खेत है, तो उसी खेत में मैं अभी टहलने के लिए आई हुई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस खेत में कितना अच्छा हरा भरा घास है। तो इस घास में मैं चलने के लिए आई हूँ शीत पानी में। तो गाइस, मेरे आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं पहले चश्मा पहनती थी, तो मैं जब भी गांव आती हूँ तो मैं ज़रूर शीत पानी में चलती हूँ। तो वही मैं सुबह सुबह उठ के सीधे आ गई शीत पानी में चलने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग, ये खेत काफ़ी बड़ा है और यहाँ बहुत अच्छा रहता है शीत पानी। तो मैं यहाँ चलने के लिए आई हुई हूँ। तो जहाँ रहती हूँ मैं, वहाँ तो नहीं मिलता है, गांव में ही अच्छा लगता है। यहाँ कितना अच्छा, सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा हवा भी है और प्लस यहाँ का जो मौसम है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुहाना है। तो अभी टहलते हैं थोड़ा देर, उसके बाद फिर घर चलेंगे और मेरे गाँव का जो व्यू है वो देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो उधर साइड में मेरा घर है और आप लोग देख सकते हैं जो उधर दिख रहा है वो है हम लोग के गांव का जंगल। तो गाइस, यहाँ जंगल बहुत सामने है और इधर में हम लोग का जो है, इधर में चट्टान है, खलिहान है, तो यहीं पे धान मिसते हैं हम लोग। और इधर में है इमली का बगीचा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर इमली का बगीचा है, तो इसलिए मेरे को मेरा घर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं पूरा इमली का पेड़ लगा हुआ है और इधर में मेरा घर है। तो घर के जस्ट ऊपर में, ऊपर साइड में हम लोग का इधर बगीचा वगैरह सब है। तो अभी थोड़ा सा टहलते हैं, अच्छा से ताज़ा ताज़ा हवा ले लेते हैं और माइंड फ्रेश हो जाता है सुबह सुबह उठ के चलने में। तो इसलिए मैं जब भी आती हूँ घर, तो हमेशा मैं टहलने आ जाती हूँ इधर। और इधर में मेन रोड है, इधर में रोड है, तो आप लोग देख सकते हैं इधर में गाड़ी वगैरह सब चलता है। तो चलिए थोड़ा सा टहल लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे घर की ओर। तो गाइस, मॉर्निंग वॉक ख़त्म हो गया है और अभी चलते हैं घर। तो जब मैं आई थी तो उधर से आई थी, तो अभी जा रही हूँ रोड के तरफ से। तो अभी चलते हैं घर, उसके बाद में फिर काम वगैरह सब करेंगे। फिर आज मेरे को जाना भी है, तो मेरे को ड्यूटी भी जाना है और 9 बजे पहुँचना है हमको। तो चलते हैं अभी जल्दी पल्दी। गाइस देख सकते हैं हमारे गांव का जो दृश्य है कितना सुंदर है। तो ये गांव का सुहाना पल बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग रहते हैं शहर में तो गांव का ही, गांव का जो ये दृश्य है, गांव का जो माहौल है वही याद आता है। मैं बहुत दिनों सोच रही थी कि मैं गांव कब जाऊंगी, तो फाइनली आ गई मैं और एक ही रात रही हूं। तो मेरे को तो आज जाना ही पड़ेगा क्योंकि काम भी ज़्यादा एब्सेंट नहीं कर सकते हैं ना। तो चलिए पहुंचते हैं पहले घर। गाइस अभी आ गए हैं घर और देखिए, मैंने ना बिस्तर भी नहीं उठाया है, तो अभी चलते हैं फटाफट बिस्तर उठाते हैं। और लाइट हम लोग का देख सकते हैं कल शाम में ही कटा था 4-5 बजे आसपास, और देखिए अभी आ रहा है 5 बजे लाइट। तो अभी चलते हैं जल्दी सा, मच्छरदानी सब खोलते हैं, बिस्तर से उठाते हैं, उसके बाद फिर पानी वानी लेकर के आएंगे, उसके बाद फिर इधर में खाना बन रहा है। तो गाइस घर का सारा काम खत्म कर लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़ा धोने के लिए, और मैं दत्तवन भी लेकर के जा रही हूँ और इधर मेरी छोटी बहन है। तो अभी हम लोग तालाब के पास आ रहे हैं, यहाँ पे सामने में तालाब है। तो और आप लोगों को पता है हम लोग का जो तालाब है उसमें ढेर सारा कमल का फूल खिला हुआ है, तो आप लोगों को दिखाते हैं अभी। देखिए हम लोग का कमल का फूल कितना सुंदर दिख रहा है, पिंक पिंक। और ये पानी जो है थोड़ा सा रेड रेड दिख रहा है क्योंकि बारिश हुई थी, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ, यहाँ पे सामने में पत्थर है तो
धोते हैं जल्दी सा कपड़ा। गाइस बड़ा बड़ा कपड़ा धोते हैं ना, तो हम लोग यही तालाब के पास आते हैं धोने के लिए। और जो भी कंबल वगैरह लेदरा उदरा हो गया, ये सारा चीज़ को हम लोग यहीं पे आ करके धोते हैं। फाइनली कपड़ा वगैरह धो करके आ गए और हम भी फ्रेश फ्रेश हो करके आ गए हैं। और आज देखिए, आज मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ करके ना मैं आम चुन रही थी, तो देख सकते हैं गाइस, 1 बाल्टी आम चुना है मैंने। तो आज जा रहे हैं तो लेकर के जाएंगे आम, और अंदर में और भी आम रखा हुआ है तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी मेरे को आम भी डालना है, तो वो आम दीदी लोग भेजा दी है बड़ा वाला। तो देखिए हम लोग का आम, इतना सारा आम, तो देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा आम है। और गाइस ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा टाइट है, अभी इनको पकने में थोड़ा सा लेट लगेगा, तो अच्छा है, बढ़िया बढ़िया आम मिला है। तो आज हम भी लेकर के जाते हैं आम। गाइस खाना खाने बैठ गए हैं हम, तो इधर में देख सकते हैं आलू का चोखा और ये आम का अचार। तो सब्जी अभी बना नहीं है, तो मेरे को जाना है जल्दी, इसलिए चोखा बना दी है। तो उधर भाई आम छील रहा है, तो अभी आम के साथ खाना खाएंगे। खाना उना खा करके मैं रेडी हो गई हूँ, और इधर में मैंने अपना सामान भी डाल दिया है, जो जो सामान मेरे को लेकर के जाना था। तो मैंने डाला है चावल, और ये मेरा बैग है कपड़ा वगैरह, और इधर मेरा ये है आम। तो इस थैली में आम है, तो भैया बोले हैं कि आम लेकर के आना, तो वही मैं आम लेकर के जा रही हूँ। तो अभी भाई गाड़ी निकाल रहा है, तो अभी मेरे को छोड़ने के लिए जाएगा। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं, और फिर मेरे को यहाँ से जाके फिर रूम भी जाना है, क्योंकि चावल छोड़ना है रूम में, उसके बाद फिर ड्यूटी चलेंगे। तो चलिए अभी निकलते हैं। हाँ चल चल जल्दी चल। फाइनली पहुंच गए मैं रूम, और देख सकते हैं मेरे रूम में इधर उधर कपड़ा टांगा हुआ है। तो अभी चलते हैं, कपड़ा वगैरह सारा चीज को फोल्ड करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होते हैं, और मेरे को दवा भी खाना है, क्योंकि मैं घर में दवा नहीं खाई थी। तो अभी चलते हैं, ताजा पानी भी लेके आना है पीने के लिए, तो पानी लेकर के आते हैं पहले, फिर जो जितना भी कपड़ा वगैरह है सारा कपड़ा को फोल्ड करना है अभी, उसके बाद फिर फ्रेश व्रेश होके दवाई खा के फिर मेरे को ड्यूटी भी निकलना है। तो चलिए आज का ये ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करने बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।